46% इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ 2021 to 22। और यहाँ पे बताया हुआ है कि हमें फोर्थ ईयर में कितनी कार्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, 1800। फर्स्ट ईयर की नहीं पता, सेकेंड ईयर की नहीं पता, थर्ड ईयर की नहीं पता, फोर्थ की पता है, फिफ्थ की नहीं पता, सिक्स की नहीं पता, सेवन्थ की नहीं पता, एट्थ की पता है, इट इज़ 2600। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको मेंशन ऑलरेडी की हुई हैं, और यहाँ पे प्रोडक्शन बोला गया है दैट इट इज़ इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर। कुछ फिक्स नंबर से ही हर साल प्रोडक्शन इंक्रीज करी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज़ द केस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिक्स नंबर से इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, उसको हम किसका केस मान सकते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिया हुआ है फोर्थ ईयर में कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई हैं, इट इज 1800। तो आप इसको क्या ले सकते हो? यू कैन टेक ए फोर एज 1800। और ए फोर को आप कैसे लिखोगे? यूजिंग ए एन फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। एंड ए विल बी एज इट इज, एन कितना है यहाँ पे? फोर है ना, तो फोर माइनस वन डी इज इक्वल टू 1800। ए प्लस क्या हो जाएगा? 3d इज इक्वल टू 1800। सेकेंड केस में आपको क्या दिया हुआ है? ए एट कितना हो जाएगा आपको? 2600। और ए8 को आप कैसे लिख सकते हो? ए प्लस 7d इज इक्वल टू 2600। तो यू हैव टू इक्वेशंस नाउ, और इन दो इक्वेशंस को व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एलिमिनेट इट सो दैट यू कैन आइदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। सो यस, इट इज़ ए प्लस 3d इज इक्वल टू 1800 एंड द अदर वन विल बी ए प्लस 7d इज इक्वल टू 2600। ए से ए कैंसिल, 3d से 7d जाएगा तो कितना हो जाएगा? इट वुड बी माइनस ऑफ 4d। 1800 माइनस 2600 वुड बी माइनस 800। तो d की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? माइनस 800 ओवर माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल एंड दिस विल गिव यू 200। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 200। और हमें क्या निकालना था? प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, दैट मीन्स ए निकालना है आपको, क्योंकि पहली वैल्यू हमारी क्या होती है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। सो यू कैन पुट डी वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। सो आई एम पुटिंग इट इन फर्स्ट इक्वेशन। ए प्लस 3, डी की वैल्यू कितनी है? 200 एंड 1800 ऑन द अदर साइड। सो आपके पास क्या आ जाएगा? 1800 माइनस 600। सो यस, इट विल बी नथिंग बट 1200। तो ए इज 1200 फॉर द फर्स्ट केस। नाउ विल बी मूविंग टू द अदर वन। सेकेंड में आपसे पूछा फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर। तो 12th ईयर निकालने के लिए क्या करना है? ए 12 निकालना है। और ए 12 को हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस 11d। ए की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है? 1200। डी की वैल्यू हमने अभी कितनी फाइंड आउट की थी? 200। सो यस, यू आर गेटिंग 1200 प्लस 2200। सो यस, यू आर गेटिंग द आंसर एज 3400। मतलब टोटल कार्स कितनी प्रोड्यूस होंगी 12th ईयर में? इट वुड बी 3400। नाउ यू हैव द अदर वन, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला टोटल प्रोडक्शन निकालो इन फर्स्ट 10 ईयर्स। इसका मतलब हो गया S10 निकालने को बोल रहे हैं आपको, क्योंकि टोटल बोला है, ये नहीं बोला कि फॉर 10 ईयर्स में कितना था। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर्स, सो इट वुड बी S10। और S10 की वैल्यू कैसे निकालोगे? एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1d। और यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे, एन इज 10, 10/2 हो गया 2a। a की वैल्यू कितनी अभी हमने फाइंड आउट की थी? इट वॉज 1200 प्लस n, n कितना है हमारा? 10 माइनस 1। डी, डी कितना था हमारा? इट इज 200। देन ब्रैकेट क्लोज करो और अपनी वैल्यू फाइंड आउट करो। सो 10/2 इज नथिंग बट 5, दिस 5 एंड 2 × 1200 कितना हो जाएगा? 2400। 10 − 1 इज 9, 9 × 200 इज 1800। सो 5 × 2400 प्लस 1800 इज 4200। सो मल्टीप्लाइंग 42 एंड 5 विल गिव यू 210 एंड उसके पीछे दो जीरोस। तो इसका मतलब 21,000 की टोटल प्रोडक्शन है फर्स्ट 10 ईयर्स में।